फ्रेंड, आप सबको ज्योति जैन का सुबह का जजने। चलिए फ्रेंड, सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और रोज मेरी आपसे किचन से ही शुरुआत होती है। कोई बात नहीं, किचन तो हमारा मेन जगह है हम लेडीजों की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाश्ते में आज सूखे आलू बनाए हैं और पूरी बना रही हूँ, क्योंकि बेटा कह रहा है मम्मी गरम गरम अजवाइन की पूरी बना दो, तो फिलहाल आटा लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूड़ी और आलू की सब्जी की तैयारी करते हैं आप और हम मिलके, और फिर नाश्ता। ओके, चलिए फ्रेंड, चाय भी बन चुकी है। फिलहाल इनकी मैंने फीकी चाय अलग निकाल दी, अब इनको चाय देने जा रही हूँ मैं, और मेरी अभी हो रही है। देखिए चाय तैयार है, चाय के साथ बिस्किट भी है। मैं नहीं खा रही इसको, ये खा रही है दीदी। मेरे को तो अच्छे नहीं लगते ना ये, इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और ज्योति जैन का आप सबको जजने। और फ्रेंड, 4:15 बज रहे हैं, चाय का टाइम है। मैंने चाय बना दी इन सबको, मैंने इससे पहले पी ली थी इसलिए मन नहीं था मेरा। दिव्या दीदी के सिर में आज दर्द हो रहा था, बहुत काम करती है ये घर के अंदर, चाय से बिस्कुट खाना है इनको। फिलहाल मैंने दाल राइस बनाई है, काली दाल मसूर की और उसके साथ राइस, जो फिलहाल मेरे बनके तैयार है। देखोगे, ये देखिए मेरी दाल, टेस्टी टेस्टी है। और ये मेरे राइस। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने दाल थोड़ी सी अलग रखी है खाने के लिए इन लोगों को, इन लोगों को मतलब मेरे बेटे को, कह रहा मम्मी अलग से तड़का लगा देना। ये कल शाम को बेटा कचरी ले आया था, क्योंकि कचरी हमारी ख़त्म हो गई थी और ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। खाने में दो चार चाहिए इनको, सब्जी और दाल वगैरह के साथ लौंजी कचरी की, और ये अम्मिया की लौंजी मिर्ची, इन सबको बहुत शौक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने हाथ के हाथ बना लिया। अब हो रहा है 5:10 और मैं किचन में बस थोड़ा सा काम रह गया, इसको फिनिश करती हूँ फटाफट। बीच बीच में रेस्ट भी किया, ऐसा नहीं है, रेस्ट भी किया, आराम भी किया, बातें भी की, आपसे भी की। तो चलिए करती हूँ फटाफट, और फिर उसके बाद आपको पता है मेरा शाम का टाइम कहाँ का होता है, ऊपर छत पे जाने का। फ्रेंड्स, मेरे फिलहाल परांठे भी सीख चुके हैं, ये देखिए, और इसके साथ मैंने ये कचरी की लौंजी भी बन गई है। तो फिलहाल मेरे शाम की भी तैयारी हो ही गई है, बाकी के बस ये थोड़े से मैंने सेक के रख दूंगी, बाकी के जब मैं ऊपर से आऊंगी छत पे से, जब ही बनाऊंगी इन लोगों को। अभी छत पे आई हूँ मैं फिलहाल, और मौसम अच्छा हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हवा चल रही है। मैं बस वो ऊपर एक कबूतर देख रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कुछ दिन पहले ही आया है बेचारा, और इसकी शायद कबूतर जैसे आपस में, क्योंकि ये वाइट कलर का है, वो लोग और रंग के, तो इसकी आँख भी फोड़ दी है इस बेचारे की। पर ये मेरे हाथ नहीं आता, पहले भी आपको याद होगा एक सुनहरी रंग का कबूतर दिखाती थी, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया बेचारा, भूखा प्यासा, ये भी ऐसे ही बैठा ही रहता है। चलिए फिलहाल आपको मौसम बादल दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बादल हो रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। यहाँ काले काले बादल हो रहे हैं खूब, और बादलों के बीच में ये सूर्यदेव जी छुपे पड़े हुए हैं। सुबह भी मैं इनका इंतज़ार करती रही, जल्दी आएँ जल्दी आएँ जल्दी आएँ, तो इनको मैं जल्द देखे जाऊँगी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ बादलों के अंदर छुप गए थे सारे में। ऐसे ऐसे मौसम हो रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा हो रहा है।
आज लेट आई आप ऊपर, आज लेट आई आप ऊपर। मौसम रोज शाम को ऐसी हो जाता है आजकल, पता नहीं क्यों। अच्छा आप लेट आती हो ना, मैं सुबह आती हूँ पाँच, मैं 5 बजे उठती हूँ, 4:45 से 5:30 बज जाते मुझे आते आते। योगा करती हूँ बैठ के। हाँ नहीं मैं फिर 6:15 तक तो चली जाती हूँ अम्मा, और भी काम होते हैं ना करके, तो आधे पौन घंटे अपनी योगा करके सूर्य देव को नमस्कार करके। हाँ उसी से तो मेरे दर्दों वर्दों में आराम मिला है अम्मा, दर्द भी शरीर भी ठीक रहता है, ये तो है ही। अब सही हो, अब तो पतले भी हो गए अम्मा पहले से। नहीं पतले नहीं हो गए, हो गए हो। अभी तो मैं, मेरे को ये 1.5 महीना होगा, मैं बहुत खाया, मेरे को खिलाया है। लग गई अच्छा, इन लोगों को यूं टूट गई, ठंडा हो जाए ना। हाँ यदि उसको मीठा घेर दो और फिर उसको गर्म नहीं घेरना चाहिए, मीठा मेवा, मेवा नहीं घेरनी, मेवा सब चीज घेरो। पीस के घेरे अम्मा कैसे, काट के छोटा छोटा टुकड़ा घेर लो, चाहे पीस के घेर लो। कितना देख लो, यही तो अम्मा है। अबे अम्मा ऐसे वो कम आ रही है ट्रेनें, ऐसे तो वैसे ऐसी ट्रेनें कम आ रही हैं, ये तो बात है। गिर जाएगी, गिर जाएगी। जब पतंग नहीं उड़ानी आती ना, उड़ानी नहीं चाहिए बच्चों को, समझ गया। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, सब एंजॉय ले रहे हैं इस मौसम का। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा भी अच्छी चली। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, मुझे उधर ही तो था गया। अरे भाई ढूंढो, नीचे उतर गया जब वो, नीचे उतर गया। ये लोग पता क्या करते हैं, हल्की हल्की रोटी पड़ी रहती है, अब भी निकलते हैं। मेंढक निकल, मेंढक कछुए और मगरमच्छ के बच्चे आए एक बार तो हमारे यहाँ ऋषभ, मगरमच्छ के बच्चे। हम क्या समुंदर में रहते थे मम्मी, इसको बता। मेंढक निकल रहा था, मेंढक हमारे गांव में भी जब कहीं पानी भर जाते हैं ना, हम उसमें घुस जाते हैं, छप छप करते हैं। हमारे गांव में तो पानी भर जाता है, मुझे कीचड़ में घूमना अच्छा लगता है। अच्छा इसको कीचड़ में धक्का दे कहीं, होगी मड़वास हो जाएगी लड़की की, पूरी मड़ी मड़ी हो जाएगी, कीचड़ वास हो जाएगी, मड़वास छोड़। वैसे कीचड़ में पत्थर में छोड़ दूंगा, मुझे लगता है वैसे छपक का दर्द सारे चीज कर दी हो। जब नीचे आई तो आके इनको खाना वगैरह बनाया मैंने, सबसे पहले आके दिया बाती करी, फिर इन लोगों को प्लेट वगैरह लगाई। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे रात का डिनर भी हो चुका है लगभग, क्योंकि मैंने इन सबकी प्लेटें लगा दी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक आप सबको मेरी जय जिनेन, बाय बाय। I'm gonna be a fan.